हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज आर डे टू इन सिंगापुर एंड आज हम जा रहे हैं चांगी बीच। और आज हम सब लोगों ने ट्विनिंग की हुई है और वी ऑल आर इन ब्लैक। दर्शन से हाय। हाय, वेयर आर वी गोइंग? चांगी बीच। कल बीच जाके हमारा मन नहीं भरा था बिकॉज हम लोग पानी में नहीं उतर पाए थे, तो इसीलिए आज हम दोबारा चांगी बीच जा रहे हैं बिकॉज दर्शन का स्कूल भी था सुबह, तो सुबह से हम लोग फ्री नहीं थे। तो सुबह से आई डिड सम एडिटिंग एंड ऑल एंड अब हम जा रहे हैं बीच पे एंड आज सब लोग ही पानी में उतरेंगे एंड वी आर गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। और आज तो मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है और हम बीच में जाएंगे क्योंकि ना मिलते हैं एक वेकेशन होगा ना, 30 डे हॉलीडे होगा ना, दर्शन का 30 डे हॉलीडे, हम इसकी खुशी में बीच पे जा रहे हैं। तब हम मिलते हैं बीच पे। चांगी बीच और ये बीच काफी ज्यादा साफ एंड कम लोग हैं, इधर भीड़ कम है बिकॉज ऑब्वियसली आज वीक डे भी है। बट द बीच दैट वी वेंट टू येस्टरडे, द ईस्ट कोस्ट पार्क, दैट वाज वे मोर ब्यूटीफुल। आई लव्ड हाउ द वाटर कलर लुक देयर। यहाँ पे भी अच्छा है बट कल वाला बीच मुझे ज्यादा पसंद आया एंड सैडली आई कुड नॉट गो इन टू द वॉटर्स देयर। बट अभी आई एम गोना गो इन टू द वॉटर्स, इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा ब्लॉग कर लेती हूँ क्योंकि फिर तो मेरा फोन पानी से खिंच जाएगा इसलिए। But I'm so much loving it here. I think I'm just in love with the beaches here. मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। And there is our gang all there. सब लोग black पहन के आए हैं यहाँ पे। And they all are having so much of fun there. And they're calling out my name. And I'm just gonna go into the waters now. Come. Now we are going to the other side of the beach क्योंकि यहाँ पे हम पानी में पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया है और यहाँ मेरे घर वालों के अलग ही ट्रेजर हंटिंग चल रही है। बैठ जाओ आप। डरते हो गए अभी? अब तू डर रहे हो भैया, तू इधर है तो मैं तेरे को ये दिखा रही थी, तुमने ये ले लिया, देख ये ले भैया आपको। ये देखो कितना सफेद पत्थर मिला हमारे यहाँ। दाखी फाइनली वी आर आउट ऑफ
the beach. Itna zyada maza aaya beach pe. Darshan, how did you like it? I liked it. You liked it? You liked it yesterday more or you liked it today more? Today more. Haan, we went far into the beach and it was so so pleasant. We just loved it. Bahut zyada maza aaya and I regret ki main kal kyun nahi pani mein gayi. Kal ka pani to zyada saaf tha and that beach was really beautiful. Ye bhi bahut acha tha. We wanted to stay for a bit more. बहुत ज़्यादा मज़ा आता, पानी से निकलने का मन नहीं कर रहा था. But then there are other plans. और दर्शन का कल सुबह भी स्कूल है, so he has to sleep on time. तो इसलिए हम लोगों को भी टाइम पर घर जाना पड़ेगा. तो अभी probably we'll go out for dinner and drinks and then हम घर जाएंगे. And then दर्शन will sleep by himself at 10 PM. वो उसका fix time है. तो we have to adhere the rules. सिर्फ आज आज के लिए, क्योंकि कल से दर्शन के 30 days के वेकेशन है, राइट? नो, फिर तो मजा आएगा. नो, नो, आई विल स्लीप एट 12:30 बिकॉज़ डैड विल मेक मी अप. व्हाई? इफ आई वेक अप एट लेट, राइट? इफ आई वेक अप लेट, माय डैड विल लाइक वेक मी अप. ओके, सो यू विल बी वेक अप टिल 12:30? नो. सो यू स्लीप बाय 12:30, राइट? सो विल यू स्लीप बाय 11:30? ओके, सो विल यू टेक मी ऑन अ वॉक टिल 11:30? In the park, down. We'll have ice cream like yesterday. Yes, yes. हाँ, रिश्वत दे तो बच्चों को भी तो मान जाते हैं. So yeah, that's the plan. Let's. A few moments later. So now we have changed. हम लोग change कर चुके हैं. मैंने इतनी मेहनत से अपने बाल straight किए थे, वो सारे तो बेकार हो चुके हैं. और वो हमारी पूरी team आ रही है. अच्छा, we have to go that side. चलो. Have fun. Yes. मजा है. घर जाना, बीच पे जाना दोबारा. चलो ना. डिनर कर लिया है. आज हमने सी फूड ट्राई किया था और वो सिंगापुर स्पेशल था. इट वाज ऑल लाइक सिंगापुर कुजीन एंड इट वाज बकवास. मतलब कोई फ्लेवर ही नहीं था, जीरो मसाला. मसाला तो छोड़ा, ऐसा लग रहा था नमक भी नहीं है उसमें. इट वाज जस्ट बॉइल्ड एंड फ्राइड, नथिंग एल्स. बट देयर वाज वन डिश दैट वाज स्वीट एंड सार चिकन, दैट वाज अमेजिंग. आई लव्ड इट सो मच कि हमने उसे दो बार मंगवाया था. And everybody liked that. Apart from that, कुछ भी अच्छा नहीं था. How did you like the food? I love the food very much. He loved the food very much क्योंकि ये यही रहता है, इसको आदत हो गई है फीका खाना खाने की. But Indians के लिए तो oh god, मतलब maybe if I try it more then I might develop a taste for it. But अभी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया. Some of the items were good but the others were not that great. बट या अभी हम लोगों के मम्मी पापा की पार्टी चल रही है तो उन्होंने हमें बोला कि जाके घूमाओ. तो हम सोच रहे हैं कि वाई नॉट टच द बीच अगेन एट नाइट, इट वुड बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो देखते हैं वहाँ तक पहुँच रहे थे. कमल quite evident.